और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले हैं सीएम नायब सैनी। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम से ये पहली मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मिले सीएम नायब सैनी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी सीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। ये साफ होगी ये बात, क्योंकि राजभवन में सूत्रों के हवाले से, हालांकि यह खबर के राजभवन में तैयारियां चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री से भी कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा की है सीएम नायब सैनी ने। लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी दिल्ली दौरे पर, प्रधानमंत्री से मिले, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 से 3 निर्दलीय विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और इसी पर चर्चा करने के लिए दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर के राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं, यहां पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर के मंथन हुआ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी मिलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकले हैं हरियाणा भवन के लिए। वो निकले हैं बिल्कुल जैसा सुबह से अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी इस मुलाकात में, साथ ही मंत्रियों को क्या विभाग बांटे जाएंगे इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मुलाकात करेंगे। तो बिल्कुल अभी वो मुलाकात करके वहां से निकले हैं हरियाणा भवन के लिए और रवाना हुए, हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई होगी वहां पर और आगे भी जब वो जिनसे भी मुलाकात करेंगे, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, उन तमाम से इन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी और फाइनल डिसीजन फिर लिया जाएगा। हितेन, यानी कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम नायब सैनी, अभी दिल्ली में ही रहने वाले हैं अपराजिता? नहीं बिल्कुल, 3 बजे के करीब का समय है जब वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे, तो संभवतः जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, जो आप बता रहे हैं, संभवतः उसके बाद ये सभी चीजें की जाएगी जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। अभी केवल चर्चा की जो प्रक्रिया चल रही है, मुलाकातें हो रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा और जो फाइनल डिसीजन जो हमारे सामने आएगा वो बिल्कुल जब वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे तभी होगा। बिल्कुल, कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही हैं कि कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। किन नामों की चर्चा चल रही है, किन नामों पर चर्चा हुई है, क्या पीएम के साथ उन नामों पर चर्चा हुई है जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं अपराजिता? जी बिल्कुल, हुई होगी, नामों को लेकर चर्चा हुई होगी कि किस मंत्रियों को क्या विभाग देना चाहिए, किस किनकी और शपथ अभी होनी है, इन सभी तमाम चीजों को लेकर चर्चा बिल्कुल हुई होगी इतने। मगर किनके नाम की चर्चा हुई है ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग थी ये, मुलाकात हुई है, एक बहुत पर्सनल मीटिंग थी ये, तो अंदर क्या कुछ रहा है अभी ये साफ तौर से नहीं बताया जा सकता है कि किनके नामों को लेकर चर्चा हुई है, मगर चर्चा अवश्य हुई है इतने जी। और इसके अलावा अभी क्या कुछ जानकारी है सीएम नायब सैनी? आप बता रहे हैं कि हरियाणा भवन पहुंचे हैं, लेकिन अब किससे मुलाकात होगी और कितने बजे मुलाकात होने वाली? जी बिल्कुल, देखिए अभी हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं, संभवतः इसके बाद जैसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, भाजपा अध्यक्ष से, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। साफ तौर से नहीं कहा जा सकता है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, मगर शायद जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं कुछ ही देर में मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ स्केड्यूल है उनका, मगर ये साफ है कि कुछ केंद्र मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर चुके हैं, अब कुछ लोगों से और मुलाकात करना है, तमाम चीजों को लेकर मुलाकात की जाएगी। और बिल्कुल जैसा हम सुबह से बता रहे थे सूत्रों के हवाले से, यह भी खबर सामने आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर ऐलान करना है, उन चीजों को लेकर भी चर्चा करनी है, तो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई होगी तो इन चीजों को लेकर भी चर्चा हुआ होगा, संजय भाटिया का नाम लेकर चर्चा किया गया होगा, और आगे भी जब दिन से वो मुलाकात करेंगे, चाहे वो जेपी नड्डा हो जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो जाए या जिस भी केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात करते हैं, इन चीजों को लेकर आगे चर्चा की जाएगी। स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद, अभी वो अभी मौजूदा वो हरियाणा भवन में मौजूद है, इसके बाद वो कहां जाएंगे ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, मगर बिल्कुल वो इसके बाद की ना कुछ ही देर में वो कहीं निकलेंगे किसी से मुलाकात करने के लिए, संभवतः वो जेपी नड्डा से शायद मुलाकात करने के लिए निकल सकते हैं, मगर वही साफ तौर से नहीं कहा जा सकता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं नायब सैनी और जो खबर सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है,
पीएम से मुलाकात हुई है कैबिनेट विस्तार को लेकर के।